अरे वाह मम्मी, कसम से यार आपकी गुजिया ना इतनी टेस्टी होती है ना कि मतलब वो बिट्टू हलवाई है ना, वो तो पानी भरता है इनके सामने। गुजिया खानी है तो थोड़ी देर रुक जा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। लो मम्मी के साथ सेल्फी। मम्मी यार इस बार थोड़ी ज्यादा बना लेना। अरे यार मैं दामाद को नहीं खिलाओगी? हाँ पिंटू भाभी जो छत वाली वो भी तो आपकी बेटी है ना, और फिर पंचम जीजा जी वो आपके दामाद है ना, मतलब समझ रही हूँ ना, सही कह रही हूँ? हाँ हाँ ठीक है बाबा बना दूंगी, पर पहले थोड़ी नमकीन बना लूँ, तेरे पापा को बहुत पसंद है। लाइफ में टंटे और रखे, गौर से देखिए इस औरत को। मम्मी यार बेटी के होते हुए पति के लिए नमकीने बना रही हो है? अच्छा बाबा तेरे पसंद का गुजिया बना दूंगी बस। मेरी प्यारी मम्मी। अच्छा मम्मी पहले तो पापा खेलते होंगे ना होली? जब पहली बार उन्होंने आपको होली के रंगों से रंगा था, भिगाया था, तो आपको कैसा फील हुआ था, कैसा लगा था? बहुत मजा आया था, पर तेरे पापा नाराज हो गए थे। क्यों, होली पे कौन नाराज होता है? अरे वो क्या है ना, वो पिचकारी से मुझे भिगाने की कोशिश कर रहे थे और मैं कुछ जिस पिचकारी से मैं भिगने वाली थी। बस हो गए नाराज। आप बिना मैं कमाल क्यों यार। अरे ये तो मेरा फोन है, जरूर छटंगी भैया को होगा, वो फोन करने वाले थे, मैं आती हूँ। सुनो वैसे हाइड्रोजन के साथ ना मेरी पहली होली है। हेलो वैसे ना नाइट्रोजन के साथ ये मेरी पहली होली है। इस बार ना हाइड्रोजन का अपने हाथों से मुंह मीठा करूंगी, तभी उस कड़वे करेले जैसे मुंह से ना कुछ मीठा फाइनली सुनने मिलेगा मुझे अपने लिए। गुड लक यार इलू, गुड लक। चल यार मम्मी के पीछे पड़ते हैं, जल्दी से गुजिया बनवाते हैं। हाँ जीजा जी हम काम में। हाय जीजा जी, भी ना बिल्कुल कच्चा की तरह सूटू लग रहे हैं। जीजा जी, नहीं 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 लाइची जी नहीं। क्या 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 नहीं, क्यों नहीं जीजा जी? अब समझने की कोशिश करिए लाइची जी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत करिए प्लीज, हम आपको कह रहे हैं। लाइची जी नहीं नहीं नहीं, इतने से कुछ नहीं होने वाला जीजा जी, और आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? लाइची जी मत करिए, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है हमारी बात? जीजा जी हमने आपको सपने में देखा था। क्या आपने मुझे सच में सपने में देखा था जीजा जी? मतलब बहुत यहाँ तक पहुँच कर आपने मुझे बताया नहीं। ऐसे क्या देखा सपने में? आपने पता क्या किया हमारे सपने में? क्या किया आपने? हमारे दरवाजे पे पहले तो लात मारी, लात मारने के बाद आप बिना बताए अंदर घुस गई और आपने आके हमें रंग दिया। ये सुबह का सपना था? हाँ। क्योंकि ये सच होने वाला है जीजा जी। जी आप क्यों ऐसे क्यों डरा रही हैं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप देखिए लाइची जी हम आपके पैर पड़ते, मत करिए हमारे साथ ऐसा, प्लीज मत करिए प्लीज। क्यों आखिर मेरे गले में क्या खराबी है, कांटे लगे हैं क्या जो आप मेरे पैरों में गिरना चाहते हैं? जीजा जी आप बहनों कांटे, ये क्या बोल रही है लाइची जी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़िए कुछ बातें ना समझ में आए ना उसी में मजा होता है। आप रेडी हो जाइए जल्दी से, चलिए। नहीं 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 लाइची जी आप ऐसा नहीं कर सकती प्लीज। अरे बिल्कुल कर सकती हूँ जीजा जी, चलिए मुंह खोलिए। क्यों हम निकलेंगे मुंह, हम नहीं खोलेंगे, आप हमारे मुंह में गुलाल डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, लाइफ में टंटे हो रखी जीजा जी, गुलाल क्यों डालूंगी आपके मुंह में? मुंह खोलो। नहीं खोलो। नहीं खोलो। नहीं चुराई और खा रहे थे तो मैं इनके मुंह से बाहर निकाल रही थी गुजिया, वो मम्मी बना रही थी ना किचन में, वहीं से चुरा के ले आए मम्मी वाली गुजिया। क्यों बे कंचन? सेठ जी पंचम। अरे जो भी है यार, तेरे मुंह में इतना ही पानी आ रहा था,
अरे तो हमें बता देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी, हम तुझे एक आध गुजिया ऐसी दे देते। वही तो, ये भी तो मेरे अपने मेरे हम लोग की फैमिली के अपने से ही है ना। क्यों, अपने से कैसे हो गया ये? मेरी मौसी का लौंडा हो रखा है ये, जो अपने सा हो गया। बेकार की बात कर रही है तू। अच्छा सुन, गुजिया खाने दे से, गुजिया मुंह से मत रखा, ठीक है? ओके पापा। पापा मैं ना पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ ले पढ़ ले। ऐसे कहती है तो अच्छा लगता है। कैसी लग रही गुजिया? बढ़िया है, मजा आ गया। सेठ जी एक बात बोलूं? क्या? बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा क्यों ना मानूंगा, तू मेरी सास हो रखा है, जो तेरी बात का बुरा ना मानूंगा। चल फिर भी बता, क्या बताना चाह रहा तू? सेठ जी होली जो है ना, बहुत ही पावन त्योहार है, राधा कृष्ण की रास का त्योहार है। क्या बात है इलू, बड़ी स्माइले वाइले दी जा रही है। क्या करूँ यार, मैं तेरे जीजा जी है ना, सपने में ना बड़ा क्यूटली छेड़ता है मुझे, लेकिन रियल लाइफ में सड़ू हमेशा शरीफ बने रहते हैं। क्या सपना देखा तूने? मैंने देखा ना, तेरे जीजा जी ना मेरे पीछे पीछे भाग रहे, गुलाल लेके और पिचकारी लेके, बड़ा मजा आ रहा था। हाउ लकी यार। हाँ यार सुनू, उसे ना वेट नहीं हो रहा, दिल करना तेरी चीज़ जी की जा गालों पे मैं। हाँ नॉटी। हाँ की बच्ची, पूरा सुन लिया कर पहले। मैं बोल रही थी कि मेरा जी कर रहा है कि अभी के अभी जाके ना चीज़ जी के गालों पर हरा नीला पीला गुलाबी लाल हर टाइप का रंग रगड़ रगड़ के लगा दूं कि हफ्तों तक निकल ही ना पाए मेरे प्यार का, मतलब गुलाल का रंग। हम बड़ी जबरदस्त प्रेशर आया है यार, ये छोले भी ना बड़े भारी पड़ जाते हैं कसम से। यार इनो, वैसे देखा जाए ना तो ये जो रंग वंग बनाने वाले होते ना, बड़े हार्टलेस से होते हैं। हम आशिकों के दिल की कोई परवाह नहीं है, कोई प्यार की परवाह नहीं है, ऐसे रंग बनाते हैं एक बार नहाने से ही निकल जाए जो। अरे ये तो सुनीता जी की आवाज लग रही है, लगता मेरे बारे में कुछ बात कर रही है। चल के सुन लेते,
आखिर क्या गुप्तगु हो रही लड़कियों के बीच में? ये तो सही कह रही है, ऐसे रंग होने चाहिए ना, पक्के निकल ही ना पाए। इलू आइडिया। हाँ, धोबी। ओ, होली अभी शुरू नहीं हुई है, तूने अभी इसे काली? पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? धोबी रंग निकालता है, लगाता नहीं है। बकवास। अबे इलू, अपना जो धोबी है ना वो रंग लगाता भी है। मैं गई थी ना मम्मी के साथ उसके पास, मैंने देखा उसके पास इतने पक्के पक्के कलर्स हैं, मतलब एक हफ्ता, दस दिन, बारह दिन तक नहीं निकलते। क्या बात कर रही है? हाँ। तो यहाँ बैठी क्यों है? जाके लेके आना। अमेले ना गुलाबी रंग ले गए हो तेरे जीजा जी, बड़े क्यूट गुलाबो गुलाबो लगेंगे। और ना इलू, मैं पिंटू भाभी के लिए ना काला रंग लेके आऊंगी। पिंचू भाभी का मुंह काला करने का इरादा है? अब तो बस सुबह होने का इंतजार है, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार मेरे को मर कर पिया। ओ पंचम, 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 ओ यार, ओ पंचम, पंचम, साले सो रहा थी यार। क्या कर रहे हैं? मर गए यार। तो पागल है क्या? सोते आदमी को ऐसे जगाते? यार जगाते, पहले मेरी बात तो सुन ले। क्या हो गया? क्यों मनुष्यत फैला रहा है? क्या हो गया ऐसा? अरे यार वो इलायची जी, सुनीता जी भाई, वो धोबी के यहाँ से रंग मंगा रहे हैं पक्का वाला, जो एक हफ्ते तक नहीं छूटता है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार, वो हमारे लिए पक्के रंग, हमारे लिए? हाँ यार। अरे यार, इस लड़की ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या करें हम, क्या करें? एक आइडिया यार, हम ना बोल देते हैं उनको कि तुझे खुजली वाली बीमारी हो रखी है, वो जो होती ना कुत्तों को, जो हाथ लगाने से भी हो जाती है, कोई नहीं छुएगा तुझे। साले ऐसी जिल्लत भरी बीमारी नहीं चाहिए हमें, हमारी भी कोई इज्जत है। तो ठीक है, तू खुद डिसाइड कर ले, तुझे इज्जत प्यारी है या नौकरी? दोनों। और हम इलायची जी के पैर पकड़ लेंगे और उन्हें बोल देंगे कि हमें प्लीज पक्का रंग मत लगाइए, वो मान जाएंगी, देख लेना, मान जाएंगी। अच्छा हाँ, अरे तुझे लगता है इलायची जी तुझे इंद्रधनुष बनाए बिना छोड़ देंगी? बेटा जो लड़की अपने बाप को उंगलियों पर नचाती है वो तेरा क्या हाल करेगी, समझ तू? समझ रहा है ना तू? तू समझ रहा है ना ही? तो क्या करें अब, क्या करें अब? एक काम करते, सेठ जी को सब बता देते ना जाके। अच्छा, अब वो सेठ जी के सामने ऐसा मासूम सा चेहरा लेके खड़ी हो जाएंगी जैसे गंगा मैया से शराफत का मेडल मिला इनको, फिर क्या करेगा तू? यार भाई, फिर तो बस एक ही रास्ता बचा है अब। क्या? घर से भाग चलते हैं। अब यार घर से प्रेमी प्रेम का भागते हैं, मैं तो तेरी बेबी हूं यार। कितनी बार बोला है मेरे साथ पालतू मजाक मत किया कर, एक दिन के लिए भागने के लिए बोल रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं गधे, होली के लिए बोल देंगे कि अचानक जाना पड़ा, मौसा जी की तबीयत खराब हो गई थी बस। बात तो सही कर रहा है यार, ये सही आइडिया है। क्या बात है गुगु, बड़ा समझदार हो गए। सुन, सब रेडी है ना? हाँ भाई सब रेडी। चल 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 निकले। अच्छा सुन, हाँ यार, कहीं किसी ने देख लिया तो? अरे यार सुबह के 5 बजे कोई कुछ नहीं देखेगा, जल्दी चल चल। अच्छा सुन, हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है? ठीक है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल हैप्पी होली जीजा जी। आप इलायची जी, आप यहाँ पे इतनी सुबह क्या कर रही है? मैं तो यहीं पे होती हूँ ना जीजा जी, इलू की दौड़ बरसाती तक। लेकिन आप इतनी सुबह कहाँ रवाना हो रहे हैं जीजा जी? आप, हम ये सैर करने जा रहे थे, सैर 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 सैर। सो स्वीट, आइए ना सैर करते हैं साथ में। नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते, वो बहुत खतरा है, सॉरी। नहीं नहीं, यहाँ तो बड़ा सेफ सा है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे तो, इतना अच्छा वेदर है, मतलब रोमांटिक टाइप हवा चल रही है, इतना मजा आ रहा है ठंडी ठंडी। देखिए इलायची जी, इस हवा से ही घबरा रहे हैं हम, ये जो आपकी रोमांटिक वाली हवा है ना, बीमार कर देगी आपको, सर्दी लग जाएगी, प्लीज आप।
लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, आपको बड़ी फिक्र है मेरी। देखिए आप हमारे सेठ जी की बेटी है, इसलिए हम उस नाते से आपकी फिक्र कर रहे हैं। आप जाइए अपने कमरे में, लौट जाइए। देखिए जाइए जाइए। अरे ऐसे कैसे, आज होली है, हम अपने कमरे में नहीं लौटेंगे, बल्कि आपको इस बरसाती से बाहर आना चाहिए, हमारे साथ खेलना चाहिए होली। देखिए इलायची जी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम होली नहीं खेलना चाहते, नहीं खेलेंगे, मतलब नहीं खेलेंगे, प्लीज। हाँ तो मत खेलिए, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, हाँ। शुक्र है। कई जीजा जी। सुन, मुझे नहीं लगता जी इलायची जहां दरवाजे से हिलने वाली आज। तो कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, हम यहां पे रह लेंगे, कोई बात नहीं, हम बाहर ही नहीं जाएंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं दरवाजा खोलेंगे यार, नंबर एक नंबर दो आई तो क्या करेंगे, जो होगा यही होगा, यही होगा, यही होगा सब कुछ, आज तो यही होगा बेटा, नहीं जाएंगे बाहर, तो नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाओ। क्या चल रहा है ये? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आ जाओ आ जाओ, होली खेल लो, माहौल बनाए। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा है, तू भी होली खेलने आए, तेरा मेरा यही रिश्ता है। अरे मैं कहाँ खेल रहा हूँ होली, अरे मैं तो बिस्तर पे आराम से लेटा था, मेरा मूड ही नहीं था होली खेलने का, लेकिन ये सारे आए, होली में रंग लगाया, उठा के ले आए कुर्ता पहना के। अबे चल हट। अरे सेठ जी आप सूखे सूखे क्यों खड़े हो, आ जाओ बाहर, मैं रंग लगाता हूँ। चल हट। अरे तू बोल ना यार। सर कुछ बोलिए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे आग लगा दूंगा तेरे थाने में, तो मेरे ऊपर रंग उड़ाया तूने तो। होली खिलाएगा मुझे, बात कर रहा है बेवकूफ। मेरे तो भाग ही फूट गए। और इलायची कैसी है? हट! अरे अरे सेठ थोड़ा मलवा लो। अरे मलवा लो। अरे तेरी तो यार ये। उतर। जी जी, ये रही होली मनाने की जुगाड़। अब जरा तुम्हारा दिमाग देखें, अब इनमें से बताओ कौन सा नशे वाले लड्डू और कौन सा नहीं है। ये है? जी जी, तुझे कैसे मालूम ये नशे वाला लड्डू है? क्योंकि सारे लड्डू चुपचाप पड़े हैं और ये लड्डू पड़े पड़े हिल रहा है। लॉजिक लगाती है जी जी, इस सुनने वाला भी जान ही दे दे। जान से याद आया कि वो 500 रुपए मतलब देना ना हलवाई वाले को, जान की दास से लेके आए तो सोच रहा हूँ पैसे से देना पड़ेगा ना उसे। मुझे नहीं ये सब ठीक नहीं लग रहा है चटंकी भैया। क्या बात कर रही हो जी जी, जिस काम को मन ना करे वो तो जरूर करना चाहिए, और फिर मैंने इसमें कोई जहर थोड़ी ना मिलाया, बातें कर रही है खाम खाई वाली तू। अरे तू रोया मत कर जी जी, देख तू अच्छा ना लगे मुझे बिल्कुल भी। जहर खाए इनके दुश्मन। जी जी तू तो बस मुझे मारने की दुआ कर। देख मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ ले मेरी बात गौर से। इसमें जो ये चार लड्डू है ना, इन्हें तुझे जीजा जी को खिलाना है, समझ गई? फिर देख जीजा जी का कमाल, अब तू टनाटन होली खेल। चटंकी भैया तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। कैसी बातें करती भाई, ना तेरा फिक्र ना करूंगा, तेरा तो कौन करेगा बातें करने। फिक्र से याद आया जी जी, वो 750 रुपए देने हैं मिठाई वाले को, ना तो वो इंतजार कर रहे होगे, अभी तक लेके क्यों नहीं आए, तो देना तो पड़ेंगे ना। अरे पर तुमने तो अभी 500 रुपए बोले थे ना। क्या जी जी तुम भी बात पकड़ के बैठ जाती हो, आने जाने कौन देगा 250 रुपए, मैं दूंगा मेरे पास रखे हैं।
जी जी गुजियों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जो अपने हाथों से बनाती है। खाना है तो किचन में है, खिलाई। चलो खिला दियो। दोनों बहन भाई का चलो 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 आ जाओ। हाँ। संभाल के। हाँ। हाँ, गुजिया आ जल्दी। हाँ हाँ चलो गुजिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।